नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल डायल 100 द बर्निंग केसेस श्रृंखला के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। जब सिस्टम में किसी नाजायज मांग की नाजायज पूर्ति के लिए सिस्टमैटिक व्यवस्था कर दी जाती है तो अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र और न्याय शास्त्र सब खतरे में पड़ जाते हैं। ऐसी जंग लगी व्यवस्था में जब कोई विसल ब्लोअर अपनी आवाज उठाता है तो ऐसा विस्फोट होता है कि झूठ की तबाही में सच भी कुर्बान हो जाता है। ये घटनाएं हिंदुस्तान के एक ऐसे रहस्यमय केस से जुड़ी थी जो लगभग एक दशक से पूरे मीडिया की सुर्खियां बना हुआ था। यह केस ऐसे मामलों से जुड़ा था जिसमें लगभग 47 से भी ज्यादा लोगों की संदिग्ध मौत हो चुकी थी, 2000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके थे और 500 से भी ज्यादा लोग गायब थे। गायब हुए लोग अब अस्तित्व में हैं या नहीं, इसको लेकर भी कई राय हैं। पक्ष विपक्ष, सरकारी गैर सरकारी, समाज और सिस्टम के बीच ऐसे कई अनसुलझे तथ्य इस केस से जुड़े हैं जिनको रोजाना तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। और इस केस की मौजूदा चार्जशीट में 23,000 पन्ने हैं। आखिर क्या है ये केस जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया? इसे जानने के लिए हमें साल 2009 में जाना होगा जब ऐसी चिंगारियां उठ रही थी जो आगे चलकर एक भयानक आग का रूप लेने वाली थी। पापा, क्या बोला डॉक्टर ने? ठीक से कुछ बोलते ही नहीं, दो दिन से दाखिल करके रखा है और तुम्हारी अम्मा का बुखार है कि उतरने को तैयार ही नहीं। पापा फिलहाल खाना खा लो और सुनिए, नीचे के डब्बे में खिचड़ी है, थोड़ी सी अम्मा के लिए छोड़ दीजिएगा। बैठो। अम्मा कैसा लग रहा? अम्मा हमें यहाँ से ले चलो, अच्छा नहीं लगता है यार। हाँ ले चलेंगे ना माँ, आपको पता है आपके लिए आज खिचड़ी बना कर लाए, खाओगी ना? हमको बहुत दुख होता है, हमरे रहते तुमको घर का सब काम, चौका बर्तन सब करना पड़ता। देखो तुम पाल पोस का मैं कितना बड़ा करती और हम तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकते, ये हमारा फर्ज है। समझदार हो गया है हमारा बेटा, तेरे लिए लड़की देखनी पड़े, तेरी शादी में खूब नाचेंगे। कैसी बात कर रही हो अम्मा तुम, अस्पताल में भी। अच्छा। कैसी माता जी आप? डॉक्टर साहब अम्मा का बदन बहुत तप रहा है। अब एक काम करिए, चलिए इनको इंजेक्शन देना पड़ेगा। यहाँ के डॉक्टर फर्जी हैं, इनके चक्कर में पड़ के मैंने सारी जमा पूंजी खर्च कर दी, पर ये डॉक्टर हमारी पिटिया को नहीं बचा पाए, इलाज के नाम पर गोरख धंधा चल रहा है। सदानंद तुम जो कुछ कर रहे हो उससे हम दोनों की लाइफ बर्बाद हो जाएगी, हम ये सब करने के लिए तो डॉक्टर बने नहीं थे, ये सब फालतू चक्करों में पड़ने के लिए। गीता तुम समझ नहीं रही हो। समझ तुम नहीं रहे हो, अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट क्यों नहीं करते? मैं थक गई हूँ तुम्हें समझा समझा के। रिलैक्स गीता। आपकी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई है। डॉक्टर साहब क्या? इनको हार्ट अटैक आया था। हार्ट अटैक? लेकिन अम्मा को तो बुखार था ना? हाँ, वो सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि हम इन्हें बचा नहीं पाए। आई एम वेरी सॉरी। सॉरी Hey!
रखा होगा, रखा होगा। सर इन पेपर पर साइन कर दीजिए, आपकी माँ का डेथ सर्टिफिकेट बनाना है। कौन सा इंजेक्शन दिया था हमारी अम्मा को? उसी इंजेक्शन से मरी है ना हमारी अम्मा? ऐसा कुछ नहीं है सर, उनको हार्ट अटैक आया था। हार्ट अटैक आया सर उनको पहले से? हार्ट के अस्पताल मत करा देंगे आपका, इंजेक्शन देके अपने हमारी अम्मा को मार दिया। बोलते हार्ट अटैक आया था। अमरीश ऐसी मनोदशा में था कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी माँ के इस दुनिया से चले जाने का मातम मनाए या उस डॉक्टर के खिलाफ कोई एक्शन ले जिसकी काबिलियत को लेकर उसके अंदर संदेह था। काहे चिंता करता है, ठीक हो जाएंगे, फिर तेरे लिए लड़की भी तो देखनी है, तेरी शादी में खूब नाचेंगे। अब एक काम करिए, चलिए इनको इंजेक्शन देना पड़ेगा। अरे बेटा यहाँ क्यों बैठा है, ऊपर बैठ और खाना ना खाया कि नहीं? क्या बात, अम्मा की याद आ रही? बेटा भगवान जिसको अपने पास बुलाना चाहता है उसको कौन रोक सकता है? भगवान ने बुलाए अम्मा को, वो डॉक्टर भेजा है अम्मा को भगवान के पास। क्या मतलब? पापा हम सब पता किए प्राइवेट डॉक्टर से। ये जो इंजेक्शन आपकी माँ को दिया गया है जी, अगर इसका डोज ज्यादा हो जाए तो किसी को भी हार्ट अटैक आ सकता है, पर ये रिपोर्ट से क्लियर नहीं है कि आपकी माँ को कितना डोज दिया गया। डॉक्टर अम्मा को इंजेक्शन का ओवरडोज दे दिया, हम आपसे मना कर रहे थे कि उन कागजों पे दस्तखत मत करिएगा। पापा मत करो बात, पापा इन लोगों को ऐसे नहीं छोड़ना है। अम्मा ने, अगर आपने हमारी बात सुन ली होती तो आज वो डॉक्टर जेल के अंदर होता। वो जेल में होता तो तुम्हारी अम्मा वापस आ जाती का? देखो बेटा हम गरीब लोग उन लोगों से आफत मोल लेके क्या करते, जीना मुश्किल कर देते हमारा। तुम ये सब छोड़ो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। क्या पढ़ाई पे ध्यान दे पापा, वो हमारी अम्मा को छीन लिया और आप कह रहे हो पढ़ाई पे ध्यान दे? क्या करोगे तुम? हमको नहीं पता पापा हम क्या करेंगे, लेकिन कुछ तो करेंगे। क्या बोल रहे हो? सुनो बेटा, यहाँ के डॉक्टर फर्जी हैं, इनके चक्कर में पड़ के मैंने सारी जमा पूंजी खर्च कर दी, पर ये डॉक्टर मेरी बेटी को नहीं बचा पाए। इलाज के नाम पर यहाँ गोरा धंधा चल रहा है। जब अमरीश ने डॉक्टर विनोद गिरी के कुछ पेशेंट्स और पेशेंट्स के संबंधियों से डॉक्टर गिरी से जुड़ी जानकारियां निकालनी शुरू की तो सामने आया कि डॉक्टर विनोद गिरी के पास डिग्री तो थी पर उसकी काबिलियत पर कईयों को संदेह था। और जल्द ही डॉक्टर गिरी समेत हॉस्पिटल स्टाफ को महसूस होने लगा कि अमरीश उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने वाला है। तो तेरी माँ मरी है, अब तू भी मरेगा। All right, so this is the cross section of a human eye. Okay, first things first. सबसे पहले मुझे ये बताइए कि
देखने के प्रोसेस में कॉर्निया और प्यूपिल ये दोनों अलग अलग किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं. रेज योर हैंड्स. बाकी लोग. डॉक्टर संजीव. यस सर. आपने इस साल का पीएमटी एग्जाम टॉप किया है ना. यस सर. और आपको इस सिंपल से सवाल का जवाब नहीं पता है सर. वो अमरीश ये क्या हो गया बेटा. कुछ लोगों को बेहोशी की हालत में पड़ा मिला ये. आराम से आराम से. बहुत मारा इसको. क्या किसने मारा डॉक्टर साहब. ये तो उन्हें भी नहीं पता था. बस इसे भर्ती कराकर चले गए. मरहम पट्टी कर दिया है लेकिन पेन खत्म करने के लिए इंजेक्शन देना पड़ेगा इसे. पापा पापा ये इंजेक्शन नहीं. पापा इंजेक्शन नहीं. हमें घर ले चलो पापा. रहने दीजिए डॉक्टर साहब. आपको हमारी लाश पे भरोसा नहीं है. अरे ऐसा काहे कह रहे हैं डॉक्टर साहब. एक ही अस्पताल है इस इलाके में. अगर इमरजेंसी में कुछ हो गया तो कहाँ लेके जाएंगे आप इसे. नहीं नहीं हल्दी दूध से ठीक हो जाएगा डॉक्टर साहब. चल 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 बेटा जाओ घर में हल्दी दूध पियो. चल चल चल. अमरीश की आवाज को दबाने के लिए उसका और उसके पिता का हनन होना शुरू हो गया था. डॉक्टर गिरी जैसे लोग अपनी झूठी साख को बचाने के लिए अमरीश और उसके पिता जैसे लोगों के मन में अपने डर का खौफ पैदा कर रहे थे. लेकिन डॉक्टर सदानंद की इस सब में क्या भूमिका थी. सर सो देयर इज समथिंग नॉट राइट हियर. ये स्टूडेंट्स पीएमटी का एग्जाम क्लियर करके आए और उनको बेसिक चीजें तक नहीं आती हैं और इनमें से कुछ स्टूडेंट्स टॉपर हैं. मुझे तो इनके रिजल्ट्स पे डाउट है. तुम हर किसी पे डाउट करते रहते हो. इट हैज बिकम योर नेचर नाउ. सर मैं अभी अभी क्लास में था. मैं कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ. बाद में बात करते हैं. दानंद तुम कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो. स्टूडेंट्स की ऐसी क्लास लेते हो कि उनकी तो बोलती बंद हो जाती है. उनकी बोलती इसलिए बंद हो जाती है क्योंकि उनको कुछ आता नहीं है. आई नो कि यहाँ पर क्या हो रहा है. तेरी ये घिसी पिटी स्टोरी फिर स्टार्ट हो गई. तू घर जा. भाभी वेट कर रही होगी. सी यू टुमारो. बाय बाय. सी यू. इतनी डिमांडिंग में कैसे हो गया. लगता है ज्यादा पर निकल आए उसके. यही तो मैं कहता आया हूं. कोचिंग क्लासेस के ब्रिलियंट लड़कों को पकड़ते हैं, ढूंढते हैं उन्हें और उन्हें पैसे भी कम देने पड़ेंगे. अच्छा आइडिया है. इससे दाम भी कम देने पड़ेंगे और त्यागी जैसे टॉपर्स के दाम भी घटेंगे. यही तो सदानंद तुम वो पानी पीने आया था. तुम्हारी आवाज सुनाई थी तो कौन है ये लोग. मेरे गांव के स्टूडेंट है ना वो. सचदेवा मेडिकल कॉलेज मेरे गांव में. मिलने आए सब लोग मुझसे. अच्छा. हाँ अच्छा मैं चलता हूँ. हाँ भाभी भी इंतजार कर रही होगी ना. मैं भी आता हूँ मिलने. हाँ किशोर बोल. नागर भाई ये सदानंद आजकल कुछ ज्यादा ही जासूसी कर रहा है. तुम हर किसी पे डाउट करते रहते हो. इट हैज बिकम योर नेचर नाउ. सदानंद तुम क्या बात है. सब ठीक है ना.
कहाँ जा रहे हो? वो पापा जी। चलो बैठो बैठो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। चलो चोट लगा है यार। अरे देख के भाई, गलत करना तो बुरा होता ही है, लेकिन गलत होता देखकर उसे रोकने की कोशिश ना करना भी सही नहीं होता। लेकिन अक्सर हमें ऐसी मजबूरियां घेर लेती हैं कि हम गलत होता देखकर भी उसे अनदेखा कर देते हैं। सर बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट थी कि हम लोगों का जो सम्मेलन हो रहा है उसमें आप अपना 10 मिनट भी हमें समय दे देंगे तो हम सब लाभान्वित होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। देखिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन इनका समय नोट कीजिए जिस तारीख को बोल रहे हैं लोग, ठीक है ना? बाकी आप चिंता ना करें। बड़ा चलिए अब इजाजत दीजिए हमें। हाँ जी अच्छा जी नमस्कार। आइए सर मैं आपको ड्रॉप करता हूँ। सर वो कॉलेज के एक्सटेंशन की फाइल है। अकेले क्यों बैठे हो सदानंद? यार मैं तो सबके साथ ही रहना चाहता हूँ, लेकिन लगता है लोगों को मेरी कंपनी पसंद नहीं आती। सदानंद तुम बिल्कुल नहीं बदले, अब भी बिल्कुल वैसी बातें करते हो जैसे कॉलेज टाइम में किया करते थे। लेकिन तुम और डॉक्टर नागर काफी बदल गए। नहीं, समय के साथ सब बदल जाते हैं। आई सजेस्ट अपने पुराने ग्रुप में वापस आ जाओ, इस तरह उदास नहीं रहोगे। फॉरगेट योर पास्ट एंड थिंक अबाउट योर फ्यूचर। यार किशोर पास ना मैं बदल सकता हूँ और ना भूल सकता हूँ, लेकिन फ्यूचर जरूर बदलेगा। चल किशोर आई हैव टू लीव। आना अगर मैं भी आता हूँ। चल ओके सदानंद। ओके सदानंद बाय टेक केयर। बाय बाय टेक केयर जी। अरे मेरी गाड़ी खड़ी है, मैं पार्क करूंगा ना, चिंता मत कीजिए। एक मिनट रुक जरा, मैं आता हूँ वॉशरूम से। अच्छा चल ठीक है। हेलो हाँ हाँ आ जाऊँगा ना। अरे किशोर नागर चल मैं तुझे छोड़ देता हूँ। हाँ आइए ना। मेरा ब्रीफकेस? ब्रीफकेस अरे यहीं पे तो रखा था। यहाँ कैसे? ये क्या देख रहे हैं? किधर ये सारंग त्यागी है, 2008 का टॉपर, और ये देखो इसका इस फॉर्म में उमेश अग्रवाल नाम लिखा हुआ है। कौन सारंग और उमेश? ये सब क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। किधर ये फॉर्म मुझे डॉक्टर नागर के ब्रीफकेस में मिला। आई एम श्योर कि उस दिन किशोर इसी त्यागी की बात कर रहा था। इससे दाम भी कम देने पड़ेंगे और त्यागी जैसे टॉपर्स के दाम भी घटे। ये किशोर और नागर मिलकर धांधली कर रहे हैं यार। पीएमटी के टॉपर स्टूडेंट्स को पैसा देकर दूसरे स्टूडेंट्स का एग्जाम दिलवाते हैं, और ये देखो अगले पीएमटी का एग्जाम पेपर। तुम्हें याद है जब मैंने पीजी का एग्जाम दिया था उस वक्त भी एग्जाम पेपर लीक हुआ था, जिसकी वजह से ये किशोर और नागर उनसे बेहतर रैंक लेकर आए थे। अरे ये लोग तो कॉलेज में क्लासेस में आते भी नहीं थे, इंटरनल एग्जाम्स में हमेशा इनका परफॉर्मेंस पुअर रहता था, उसके बावजूद मुझसे आगे निकल गए, हेरा फेरी करके डॉक्टर्स बने। चलो यार मैं ये सब एक बातें एक बार भूल भी जाऊं। गीता अब तो ये सब मिलकर पूरे के पूरे मेडिकल बोर्ड को बर्बाद कर रहे हैं। मेडिकल है यार,
लोगों की जिंदगियां दांव पे लगी हुई हैं। अब मैं चुप नहीं बैठूंगा, इनके अगेंस्ट में PIR फाइल करूंगा। देखो सदानंद, नागर तुम वो। नमस्ते भाभी जी, कैसा है, सब ठीक चल रहा है? बस बस भाई साहब, अंदर आइए, आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? मैं कॉफी बनाती हूँ। हाँ हाँ, और भाभी जी, अरे वो कॉफी थोड़ा शक्कर कम डालिएगा। हाँ बोलो, क्या हुआ? देख सदानंद, तू मेरा दोस्त है, इसलिए घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा, सीधे सीधे कहता हूँ। तेरे दिमाग में जो चल रहा है ना, उसकी पूरी खबर है मुझे। अच्छा, मतलब मान रहे हो तुम ये सब? सही है नागर, तुम खुद तो एक अच्छे डॉक्टर बन नहीं पाए, और अब दूसरों की जिंदगी के दूसरों की जिंदगी की फिक्र छोड़ो, अपने बारे में सोचो। मुझे पता है कि तुम मुझसे हाथ नहीं मिलाएगा, लेकिन अगर तेरे ये हाथ मेरे गिरेबान तक पहुंचे ना, तो सारी यारी दोस्ती एक किनारे कर दूंगा। और हाँ सॉरी, भाभी जी को बोल देना उनकी कॉफी नहीं पी पाऊंगा ना। टेक केयर। PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, एक ऐसी जनहित याचिका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 39A के तहत देश के हर नागरिक को यह अधिकार देता है कि अगर वो देश के किसी भी सिस्टम में किसी भी तरह की गड़बड़ियां पाता है, तो वो अदालत में जाकर उस सिस्टम के खिलाफ अपनी आवाज उठा सकता है। लेकिन सवाल यह था कि डॉक्टर नागर की इनडायरेक्ट धमकियों के बाद क्या डॉक्टर सदानंद अपने PIL फाइल करने के फैसले पर कायम रह पाएंगे? आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। तू कहाँ रह गई थी यार, इतना लेट कैसे हो गया? रिलैक्स यार, आज पेशेंट्स थोड़े ज्यादा थे और मेरा फोन भी साइलेंट था। वैसे तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? पर तुम फोन नहीं उठाओगी तो टेंशन नहीं होगा क्या? लेकिन तुम ओ, अब मैं समझी कि तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो। मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने PIL दाखिल कर दी ना? सदानंद, ये प्रूफ काफी है PIL डालने के लिए, और शायद कोर्ट तुम्हारा PIL एक्सेप्ट भी कर ले। लेकिन क्या तुम जानते हो ये केस तुम पूरे मेडिकल सिस्टम के खिलाफ फाइल कर रहे हो? कीतब, मैंने बहुत सोचने के बाद ये फैसला लिया है। डॉक्टर सदानंद ने अब अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला ले लिया, उन्होंने कोर्ट में PIL फाइल कर दी थी, लेकिन अभी उन्हें कई और इम्तिहानों से गुजरना था। प्रणाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं जी? आप कौन? मैं आपका शुभचिंतक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ जानना था। हाँ, अगर किसी को मारना हो तो कौन सा इंजेक्शन घुसाते हैं जी? अरे डॉक्टर साहब, आप क्यों घबरा रहे हैं? आपको थोड़ी ना घुसाएंगे, आप तो दोस्त हैं। ठीक है, टेक केयर। अमरीश अब एक कूटनीति के तहत उस हॉस्पिटल से जुड़े कुछ मेडिकल स्टूडेंट से दोस्ती बढ़ा रहा था जिस हॉस्पिटल में उसकी माँ की मृत्यु हुई थी। अमरीश के साथ क्या होने वाला था इसका एहसास उसे भी नहीं था। वहीं डॉक्टर सदानंद की PIL कोर्ट द्वारा स्वीकार कर ली गई थी, और एडमिशन और रिक्रूटमेंट बोर्ड में हो रही धांधलियों की जांच करने के लिए कोर्ट द्वारा एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया, जिसकी अगुवाई डॉक्टर अस्थाना को सौंपी गई, और पुलिस इंस्पेक्टर गौतम को इस बोर्ड का पुलिस इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर अपॉइंट किया गया था। और फिलहाल उन एविडेंसेस के तहत जांच की जा रही थी जो डॉक्टर सदानंद ने कोर्ट में पेश किए थे। तो यश सारंग त्यागी 2008 के PMT एग्जाम्स का टॉपर था, और इसका फोटो उमेश अग्रवाल नाम के स्टूडेंट 2009 के फॉर्म पे लगा है। लेकिन 2009 के एग्जाम्स तो हो चुके हैं, हाउ वी विल नो कि उमेश के एग्जाम त्यागी नहीं दिए थे? सर, ये किसी एक उमेश अग्रवाल या सारंग त्यागी की बात नहीं है। सर, मेरे खुद के कॉलेज में मैं कितने सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो सिर्फ नाम के टॉपर हैं, उनको मेडिसिन का M तक नहीं आता है। सर, मैंने रिकॉर्ड चेक किए हैं, वो इंटरनल एग्जाम्स में बार बार फेल होते रहते हैं। सर, PMT एग्जाम में इनको टॉप कराने में सिर्फ डॉक्टर जगदीश नागर या फिर डॉक्टर किशोर का हाथ नहीं है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि सर, इसमें
और भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तुम्हें जितने भी स्टूडेंट्स पे शक है उन सबकी एक लिस्ट बनाओ, हम उन्हें सर्वेलेंस पर रखेंगे। और रही बात डॉक्टर नागर, किशोर और त्यागी की, उनसे हम पूछताछ करते हैं। यार तुम तो बहुत बड़े पढ़ाकू निकले, सीधा पीएमटी का एग्जाम क्लियर कर दिया है, मेडिकल स्टूडेंट बन गए। इंटर में कितने परसेंट आए थे तुम्हारे? तुमको मालूम है 60% भी नहीं आया था, लेकिन पीएमटी क्लियर कर लिया एकदम, वो भी बढ़िया वाला रैंक से यार। अच्छा, क्या समझा जाए इसका मतलब? फिर सीधा सरस्वती माता का व्रत रख रहे थे क्या तुम? है सारा ज्ञान का भंडार तुम्हें दे दे, आज तक जिंदगी में अगरबत्ती नहीं जलाए। अच्छा, और व्रत तो बहुत दूर की बात है यार, बस अपने सक्सेस का रात तो एकदम फिल्मी स्टाइल टाइप का है कुछ। कैसा है तुम्हारा फिल्मी स्टाइल? अरे जब पीएमटी का एग्जाम चल रहा था ना, तो मस्त सिनेमा हॉल में बैठ के सिनेमा देख रहे थे और खा रहे थे पॉपकॉर्न। मतलब पीएमटी का एग्जाम चल रहा था और तुम बैठे सिनेमा हॉल में सिनेमा देख रहे थे और ऐसे ही पास कर लिए पीएमटी? अरे जादू है बाबू, जादू। अच्छा तो यार गुरु, तुम्हारा जादू तो चल गया, थोड़ा हमारा जादू भी चलवाओ। मतलब ये कि अभी हमने इंटर पास किया है तो सोच रहे थे बीएससी ना करें, सीधा पीएमटी से ही शुरुआत करें, पीएमटी के एग्जाम की तैयारी कर लेते हैं। हम भी दरअसल डॉक्टर बनना चाहते हैं तुम्हारी तरह, बनवा दूं? बनवा तो सकते हैं, लेकिन बहुत खर्चा करना पड़ेगा। कितना होगा? करप्ट सिर्फ सिस्टम ही नहीं बल्कि उसको करप्ट बनाने वाले ऐसे स्टूडेंट्स और उनके माता पिता भी उतने ही दोषी हैं जो अपने बच्चों से रिश्वत देकर एग्जाम्स क्लियर करवा रहे थे। और कई स्टूडेंट्स का भविष्य भी ताक पर था जो आने वाले समय में पहली बार मेडिकल एग्जाम देने की तैयारी कर रहे थे। पापा, कॉलेज में फॉर्म फिल किए जा रहे हैं, पीएमटी रहने दो, मैं एक काम करती हूँ, नॉर्मल बीएससी कर लेती हूँ। तुम्हें मेडिकल में जाना है ना, पीएमटी की तैयारी करो, बीएससी करके क्या मिलेगा? पापा, पीएमटी करना इतना इजी नहीं है। अरे तो मुश्किल क्या है भाई? अपने पड़ोस वाले शर्मा जी, उनके बेटे ने पिछले साल 12वीं में तुमसे कम नंबर लाए थे, फिर भी उसने पीएमटी क्लियर किया कि नहीं? आपको पता नहीं है, आजकल ये पीएमटी एग्जाम ऐसे ही क्लियर नहीं होते। शर्मा अंकल ने 25 लाख खर्च किए तब जाके उनका लड़का पीएमटी क्लियर किया। 25 लाख? मैं जानती हूँ कि आप मुझे डॉक्टर बनते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती आप पे मेरी वजह से जरा भी प्रेशर आए। मैं एक काम करती हूँ, नॉर्मल बीएससी कर लेती हूँ और आगे जाके कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लूंगी। बेटा तुम्हें मेडिकल में जाना है, पीएमटी की तैयारी करो, समझे? बाकी आगे क्या करना है वो हम देखेंगे। सर ये सब उस सदानंद की साजिश है, जलता है मुझसे। कॉलेज के दिनों से ही मैं हमेशा टॉपर रहा हूँ, उसकी रैंकिंग मुझसे कम रही है, इस बात का बदला ले रहा है, मुझसे फंसाना चाहता है मुझे। सर डॉक्टर सदानंद की दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो काफी टाइम से मुझसे ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात ही नहीं है। सर मैंने खुद अपने एंड से सब कुछ चेक किया है, सब कुछ अकॉर्डिंग टू रूल्स ही हुआ है, कैंडिडेट्स की सिलेक्शन और इंटरनल एग्जाम में कोई गड़बड़ी नहीं है, इस बात की गारंटी मैं खुद लेता हूँ। सर मेरी फोटो कोई भी अपने फॉर्म में लगा सकता है, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि इसमें भी मेरी गलती है। सर मैं अपना स्टैंड क्लियर कर चुका हूँ, आपको सारे प्रूफ्स भी दिखा चुका हूँ, और सर वो लोग एक दूसरे को बचाने के लिए कुछ तो सफाई देंगे ही ना। लेकिन सच क्या है, वो ना आप ऐसे बोलकर साबित कर पाएंगे ना वो कुछ उगलेंगे। सर डॉक्टर किशोर, उनके थ्रू हम शायद उनकी रियलिटी तक पहुंच सकते हैं। लेकिन डॉक्टर किशोर उनके लिए काम करते हैं तो हमारा काम क्यों करेंगे? सर त्यागी के बारे में भी डॉक्टर किशोर से ही पता चला था मुझे, एक दिन मैंने उनको कुछ लोगों से बात करते हुए सुना था कि ये लोग कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाकर कुछ ब्राइट स्टूडेंट्स ढूंढते हैं और वीक स्टूडेंट्स की जगह पे उनसे एग्जाम दिलाते हैं। कोचिंग क्लासेस के ब्रिलियंट लड़कों को पकड़ते हैं, ढूंढते हैं उन्हें, और उन्हें पैसे भी कम देने पड़ेंगे। अच्छा आइडिया है, इससे दाम भी कम देने पड़ेंगे और त्यागी जैसे टॉपर्स के दाम भी घटे। एग्जामिनेशन हॉल के आईडी में फोटो तो उन ब्राइट स्टूडेंट्स का होता है, लेकिन नाम और रोल नंबर उन स्टूडेंट्स का होता है जो ये सीट पैसा देके खरीदते हैं। दिस इशू इज वेरी सीरियस, लेकिन इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है ये सब कैसे पता लगाया जा सकता है? अगर हम पुलिस की मदद से उन कोचिंग सेंटर्स में जाने की कोशिश करें तो। डॉक्टर राकेश दुआ, पहुंची हुई चीज है ये वही है ना जब तुम सिनेमा में बैठे फिल्म देख रहे हो, तुम्हारा पीएमटी एग्जाम पास करा। वहिस्ता बोल, इन्होंने मेरा ही नहीं बल्कि बहुत लोगों का पीएमटी यूं क्लियर करवा दिया है। अच्छा। और तेरे से मैंने डिस्काउंट के लिए भी बात किया है। मैं बात करके आता हूँ। अरे तू रुकना, मैं बात करके आता हूँ।
डॉक्टर जी कैसे हैं? I'm good, Karan. तुम कैसे हो? मैं भी अच्छा सर, आपकी मछली ले आया हूँ, बाहर खड़ा है. भेजो उसे. सर मेरा 5% कन्फर्म है ना? करण एक बात को कितनी बार बोलना पड़ेगा? ठीक. इस बार पीएमटी एग्जाम के एडमिशन की फीस, एक सीट का बजट 40 लाख. 40 लाख रुपए? डॉक्टर साहब ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है. देखो अमरीश, बहुत सेटिंग करनी पड़ती है, ऊपर से मेडिकल बोर्ड इस वक्त बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है. तुम करण के दोस्त हो इसलिए मैं तुम्हारा काम 39 लाख में करवा सकता हूँ, लेकिन हाँ उससे 1 रुपया भी कम नहीं. लेकिन डॉक्टर साहब हम तो सोच रहे थे अगर ये काम 10-15 लाख रुपए में हो जाता है, क्योंकि इतने ज़्यादा पैसे तो हमारे देने के लिए है नहीं. अगर आप कहते हैं तो हम अगले साल 39 लाख रुपए लेकर आ जाएंगे, आप तब सेटिंग हमारी कुछ करा दीजिएगा. ठीक है अमरीश, तुम कुछ एडवांस जमा करवा दो और अगले साल के लिए अपना नाम लिखवा दो. हाँ अब तू टेंशन मत ले, अब वो सब ना हम तुमको बता देंगे. तुम चलो, तेरा सीट कन्फर्म हो गया, आ जाओ. डॉक्टर सदानंद के द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन के आधार पर अब सभी सस्पेक्ट्स पर नजर रखवाई जा रही थी और उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का भी पता लगाया जा रहा था जहां के स्टूडेंट्स इस फर्जीवाड़े में शामिल हो रहे थे. अच्छे से एग्जाम देना, सारी टेंशन भूल के. हाँ हमें विश्वास है बेटा कि हमारी बिटिया का एडमिशन मेडिकल कॉलेज में जरूर होगा. नरेश जी कैसे? बस बढ़िया. काउंसलिंग हो गई? काउंसलिंग भी हो गई और गवर्नमेंट कोटे वाली सीट भी लॉक हो गई. अमरीश ये पीएमटी के टॉपर है पिछले साल के, और इस साल भी पीएमटी इन्होंने क्रैक कर दी. और देख काउंसलिंग भी करवा ली इन्होंने, सीट लॉक. सर आपने तो जब पिछले साल भी टॉप किया होगा तो आपको अच्छा कॉलेज मिला होगा, तो आपने फिर से एग्जाम क्यों दिया? मैं यहाँ दूसरी बार एग्जाम देके एडमिशन लेने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ गवर्नमेंट कोटे वाली सीट बुक कराने आया हूँ. मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है. अरे यार ये सब ड्रामा है, मैं सिर्फ इनरोल कराने आया हूँ. ऐसा क्यों? लेकिन देख भाई प्राइवेट कॉलेज की कुछ सीट गवर्नमेंट कोटे में रिजर्व होती हैं, और जो स्टूडेंट पीएमटी का एग्जाम क्लियर करते हैं वो यहाँ पे अप्लाई करते हैं. जैसा कि पहले मैंने बताया कि गवर्नमेंट की कुछ सीटें प्राइवेट कॉलेज में भी बुक्ड होती हैं और जो कि मेरिट बेसिस के हिसाब से मिलती हैं, जैसे मेरी एक बुक हो गई, तो अभी वो सीट मैं तब तक पकड़ के रखूंगा जब तक काउंसलिंग नहीं होगी, और काउंसलिंग होने के बाद वो सीट मैं छोड़ दूंगा और उसका मुझे मिलेगा पैसा. पैसे किस बात के? वो सीट पहले किसकी थी? गवर्नमेंट कोटे की. अभी मेरे छोड़ने के बाद किस कोटे में आ गई? अब कॉलेज के कोटे में. कॉलेज वाले उसे अपने मैनेजमेंट में ट्रांसफर कर लेंगे और वही सीट 40-50 लाख में बेच देंगे, उसमें उनका भी फायदा है और मेरा भी. तो इसमें नरेश भाई मतलब जैसे पूरा मेडिकल सिस्टम इन्वॉल्व, सबके सब मिले रहते हैं, सबको शेयरिंग मिलता है. रेडियोलॉजी की सीट 1 करोड़ तक बिकती है भाई, पर तुम ना टेंशन मतलब तुम्हारा नाम 38 लाख तक हो जाएगा. तुम जाओ और जल्दी से ना पैसे का इंतजाम करो अगले साल तक. अमरीश अपनी सूझबूझ से जो पता लगाने की कोशिश कर रहा था वो पूरे मेडिकल सिस्टम की पोल खोल रहा था, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि 2009 में मेडिकल बोर्ड के गठन के बाद साल 2010 में कई जगहों पर ये फर्जी एग्जाम्स हो रहे थे. इस बार अमरीश ने डॉक्टर सदानंद की सलाह पर साल 2010 में अपने एरिया से एक फ्रेश PIL फाइल की और जल्द ही उसकी PIL भी एक्सेप्ट कर ली गई और अदालत ने दिगवाना पुलिस को अमरीश द्वारा लगाए गए आरोपों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया. इस बार पीएमटी एग्जाम के एडमिशन की फीस, एक सीट का बजट 40 लाख, सबके सब मिले रहते हैं, सबको शेयरिंग मिलता है. माना कि इन रिकॉर्डिंग्स को कोर्ट ने ऑथेंटिक माना है, लेकिन अगर तुमने वीडियो बनाई होती तो उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग केस बनता. सर मैंने वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करी, हिडन कैमरे का इंतजाम नहीं हो पाया बस हमसे. सर ठीक है, तुमने जिन जिन के नाम पॉइंट किए हैं हम उन पर निगरानी रखते हैं. सर हमारी आपसे एक दरखास्त है सर, सर ये करण, डॉक्टर दुआ, डॉक्टर नरेश, सर इनको मत छोड़िएगा. और इनकी तरह एक फ्रॉडिया और है सर, डॉक्टर विनोद गिरी. सर आज उसी की वजह से हमारी अम्मा की जान गई है सर. अमरीश की इन्फॉर्मेशन के आधार पर डॉक्टर विनोद गिरी समेत नरेश, करण और डॉक्टर दुआ की एक्टिविटीज, डिग्रीज और उनके एग्जाम रिजल्ट्स की भी जाँच की जा रही थी. वहीं मेडिकल बोर्ड ने जल्द ही अपनी जाँच रिपोर्ट PI गौतम से शेयर की. हमने डॉक्टर किशोर और डॉक्टर जगदीश नागर के कॉल रिकॉर्ड चेक किए हैं. डॉक्टर किशोर किसी कमलेश नाम के आदमी से टच में है. सुनो भाई, इस ब्राइट कोचिंग में बहुत पढ़ाकू स्टूडेंट्स हैं, इनमें 2-3 स्कोरर को मैं पटा सकता हूँ. और ये कमलेश ब्राइट कोचिंग के स्टूडेंट्स के टच में है. एक ट्रिप में बैठे बैठे 2 लाख रुपया कमा सकते हैं.
ऐश की ऐश, कमाई की कमाई। मुझे ऐसा लगता है कि कमलेश के जरिए ही ब्राइट कोचिंग के स्टूडेंट्स को फेक आईडीज पर एग्जाम दिलवाए जाते रहे हैं। ये सब हमारी निगरानी में है। सर, डॉक्टर सदानंद की हेल्प से हमने 117 सस्पेक्ट्स को नैरो डाउन किया है। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनके रिजल्ट्स पे हमें डाउट है। शायद इन स्टूडेंट्स ने इसी किशोर और कमलेश जैसे लोगों को पैसा देकर एग्जाम क्लियर करवाया। और ये इनमें से 12 टॉपर्स ऐसे हैं जिन्होंने 2009 में भी एग्जाम दिए और 2010 में भी, ये क्लियर है। और ये वो 8 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने दूसरे स्टेट से यहाँ कर एग्जाम दिए, शायद ही वहाँ के टॉपर्स हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए फर्जी आईडी पे एग्जाम दिया। हम इस सब की जांच करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ठोस कदम उठाने से पहले हमें जुलाई एग्जाम्स का इंतजार करना चाहिए। हो सकता है एग्जाम सेंटर से हम ऐसे कुछ स्टूडेंट्स को रंगे हाथों पकड़ सकें। खाना लगा दूं क्या? ये लाइट कैसे चली गई? साल 2011 के एग्जाम के दौरान पीआई गौतम की अगुवाई में कई ऐसे मेडिकल स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया गया जो फर्जी तरीके से एग्जाम दे रहे थे, और इनमें से एक विनय कुशवाहा भी था। सर, मैं लालच में आ गया था, गलती हो गई। सर मुझे छोड़ दीजिए, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। सर अगर तुझे अपने करियर की इतनी चिंता होती तो ये सब करता ही नहीं। मैं भटक गया था सर, मुझे पैसों की जरूरत थी और कमलेश ने मुझे 2 लाख रुपए का ऑफर दिया था। सर मैं खुद को रोक नहीं पाया। विनय समेत बाकी सभी के बयानों में कमलेश का नाम सामने आया, जो इस फर्जीवाड़े का ब्रोकर मिडलमैन था, जिसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया। और कमलेश ने बयान दिया कि वो ये सब कुछ डॉक्टर किशोर के कहने पर कर रहा था, और जल्द ही किशोर को भी अरेस्ट कर लिया गया। और किशोर के बयान से सामने आया कि इस फर्जीवाड़े को कैसे प्लान और एग्जीक्यूट किया जाता है। मैं ऐसे स्टूडेंट ढूंढता था जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, फिर कमलेश दूसरे राज्यों की कोचिंग क्लासेस से ब्राइट स्टूडेंट लेकर आता था ताकि वो वीक स्टूडेंट की जगह एग्जाम दे सके, और ये सब के लिए हम पर सीट 20 से 25 लाख रुपए चार्ज किया करते थे। कब से चल रहा है सब? जी कई सालों से। सबसे पहले हम स्कोरर को ढूंढते थे, क्योंकि कमज़ोर स्टूडेंट तो अपने आप ही ब्रोकर के जरिए हमारे पास आ जाता था। फिर हम उसके लिए एक फॉर्म भरते थे और फॉर्म के ऊपर फ़ोटो हम टॉपर के लगा देते थे, और एग्ज़ाम हो जाने के बाद वापस उसकी फ़ोटो कमज़ोर स्टूडेंट के साथ बदल देते थे। और ये सब करने के लिए हमारी सेटिंग एग्ज़ाम सेंटर के अंदर कुछ ऑफिसर्स के साथ भी थी। किशोर ने इस फर्जीवाड़े का खुलासा तो किया, लेकिन इस सब में डॉक्टर नागर की भूमिका से इनकार कर उन्हें बचाने की कोशिश की। वहीं मेडिकल बोर्ड ने 117 सस्पेक्टेड स्टूडेंट्स में से कई स्टूडेंट्स की डिग्री को खारिज करके उन्हें सस्पेंड कर दिया। कईयों को जेल भी हुई, और जिनके खिलाफ पक्के सबूत नहीं मिले उन्हें वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। इस केस में ये 117 का आंकड़ा आगे चलकर 2500 से भी ज्यादा होने वाला था। पापा, मैंने पीएमटी एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया और मुझे दिगवारा का सबसे बेस्ट कॉलेज मिला है। भाई वाह, भाई हमारी बेटी ने हमारा सिर फक्र से ऊंचा कर दिया। अरे अब इसे डॉक्टर कह सकते हैं भाई हम। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि साल 2011 के बाद भी ये फर्जीवाड़ा रुकने वाला नहीं था। अपने पास 157 इंजन है, कम से कम 300 बोगी का इंतजाम करो, समझ गए? ये इंजन और बोगी ऐसे कोड वर्ड थे जो आने वाले समय में इस केस को और भी सनसनीखेज बनाने वाले थे। वहीं अमरीश आरटीआई यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत उन 117 मेडिकल स्टूडेंट्स के एग्जाम्स की आंसर शीट और उनसे जुड़ी जानकारियों का अध्ययन कर रहा था जो मेडिकल बोर्ड की सस्पेक्ट लिस्ट में थे। और साल 2012 के रिजल्ट के बाद डॉक्टर सदानंद को फिर ऐसे हिंट मिले जिससे ये साफ था कि एग्जाम्स का ये फर्जीवाड़ा अब तक चल रहा था। डॉक्टर सदानंद आरटीआई के तहत ऐसे कई स्टूडेंट्स की आंसर शीट्स और उनके बैकग्राउंड की जांच कर रहे थे जिनके रिजल्ट्स संदेशपद थे। गीता, तुमको पता है ये धांधलेबाजी बंद नहीं हुई है? मुझे पक्का यकीन है कि नागर और उसके साथियों ने इन्वेस्टिगेशन कमेटी का ध्यान भटकाकर फिर से अनडिजर्विंग स्टूडेंट्स को सीट दिलवाई है। मुझे एक बात बताओ, अब तुम क्या करने वाले हो? मैं दोबारा पीआईएल फाइल करूंगा फ्रेश डॉक्यूमेंट्स के साथ। हेलो, सदानंद की बीवी बोल रही हो? आप कौन? तुम्हारा यार। जी क्या बदतमीजी है?
बदतमीजी नहीं मैडम, समझाओ अपने हस्बैंड को ये नेतागिरी छोड़े, नहीं तो अपने जान से जाएगा और उसके जाने के बाद आपके साथ क्या करूंगा, समझ रहे हैं ना? हेलो, कौन बोल रहा है, क्या नाम है तुम्हारा? हेलो, हेलो, तुम फौरन बॉयज हॉस्टल के पास पहुंच जाओ, वहां तुम्हें ना सारे स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। साले बहुत तेज समझते हैं अपने आपको, चुपचाप से इसमें लिख कि तूने जो कुछ भी कोर्ट में कहा था ना वो सब झूठ था, और इसमें ये भी लिख कि तू सुसाइड करना चाहता है। अमरीश पर ये 14वीं बार हमला किया गया था, और वहीं डॉक्टर सदानंद को भी रोजाना कई तरह की धमकियां मिल रही थी, लेकिन धमकी देने वालों की पहचान नहीं हो पा रही थी। हमें सस्पेंड करा के बहुत होशियार समझता तू अपने आप को, इस लाइन देख रहा है ना तू, ये भी तेरी जान ले सकता है। अब जिंदगी और मौत तेरे हाथ में, क्या चाहिए सोच ले। अमरीश को इस बात का अंदाजा था कि ये सारे हमले उस पर सिर्फ PIL को वापस लेने के लिए किए जा रहे थे, लेकिन इस सब के बावजूद वो अपने फैसले पर टिका रहा। वहीं डॉक्टर सदानंद ने 2012 के एग्जाम्स में हुई धांधलियों को लेकर 2013 में एक फ्रेश PIL फाइल की और पुलिस को कई ठोस सबूत भी मुहैया करवाए। सर, ज्ञानेंद्र, अमित, जितेंद्र, सौरभ, नेहा, सर ये मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जो MBBS के इंटरनल एग्जाम में हमेशा कम स्कोर लाते हैं, और सर आसपास के ऐसे कई कॉलेजेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह से हैं, और सर सबसे ज़्यादा ताज्जुब की बात यह है कि 2011 का एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए ये स्टूडेंट्स अपने शहर से 400 किलोमीटर तक की दूरी तय करके गए थे। पुलिस ने इन सभी लोगों की जांच करना शुरू कर दिया। वहीं अमरीश की अपील पर कोर्ट ने उसकी सुरक्षा में एक पुलिसकर्मी को मुहैया करवाने का आदेश दिया। सर, सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है। सर, ये उन 20 स्टूडेंट्स की लिस्ट है जो इस साल फर्जी आईडी के साथ दूसरे स्टूडेंट्स के बिहाफ पे एग्जाम में बैठने वाले हैं। जी, क्या नाम है तेरा? सर, रोहित झा। अपने बाप का नाम और प्लेस ऑफ बर्थ बता। सर, महेंद्र, कानपुर से। सर, तेरे फॉर्म में तो कुछ और ही लिखा हुआ। मेरा नाम रोहित झा नहीं है सर, मेरा नाम अरुण तिवारी है सर। मैं तो इस राज का हूँ भी नहीं, मैं तो यहाँ स्कूलर बन के आया था सर। तुझे यहाँ बुलाया किसने था? नाम बोल। सर, जगदीश नागर। इन स्टूडेंट्स के बयानों के बाद डॉक्टर नागर का अरेस्ट वारंट निकला, लेकिन डॉक्टर नागर फरार हो चुका था और उसके फोन भी बंद थे। डॉक्टर सदानंद ने डॉक्टर नागर का एक फोन नंबर पुलिस के साथ शेयर किया और पुलिस ने उस नंबर को ट्रेस करना शुरू कर दिया, और जल्द ही डॉक्टर नागर को मुंबई के एक होटल से अरेस्ट कर लिया गया, जहां से डॉक्टर नागर का फोन और लैपटॉप सीज कर लिया गया। देखिए, ये सब मुझे फंसाने की साजिश है, मेरा इन सब कैंडिडेट से कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। ज्यादा होशियार मत बन, हमने किशोर से सब पता कर लिया है, उन 317 कैंडिडेट्स के बारे में जिनके नाम तुम्हारे लैपटॉप से मिले थे। काफी लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं और कुछ इंजन ने तुम्हारा नाम लिया है कि इस सब में तुम शामिल हो। अब यह बताओ कि एडमिशन और रिक्रूटमेंट बोर्ड में वो लोग कौन है जो तुम्हें इंजन और बोगी के रोल नंबर अलॉट करते हैं? एडमिशन और रिक्रूटमेंट बोर्ड के चीफ सिस्टम एनालिस्ट जतिन वर्मा है, वही इंजन और बोगी के रोल नंबर इस तरह से सेट करते हैं ताकि एग्जाम में सब आसपास बैठ सके।
सर वो जगदीश नागर इंजन स्टूडेंट्स को लाता था, वही उनके फॉर्म भर के मुझे देता था। इंजन के पीछे और आसपास के स्टूडेंट को बोगी कहते, ये नागर को एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए पैसे देते थे। तुम लोग ये इंजन और बोगी की धांधलियाँ करते कैसे थे? सर जो स्टूडेंट एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाते हैं उनको इंजन कहते हैं। हम ऐसे ब्राइट स्टूडेंट की कोचिंग से स्कोरर सेलेक्ट करते हैं। ये स्कोरर असली कैंडिडेट की जगह बैठकर खुद एग्ज़ाम देते हैं। हम स्कोरर और असली कैंडिडेट की फ़ोटो को सॉफ्टवेयर के ज़रिए मिक्स कर देते हैं, जिससे असली और नकली कैंडिडेट की शक्ल 40-60% तक मिलने लगती है। ऐसे में एग्ज़ामिनर को और ग्राउंड ऑफिसर को ज़्यादा फ़र्क पता नहीं चलता कि एग्ज़ाम देने वाला कैंडिडेट कौन है। और अगल बगल बैठने वाले बोगी स्टूडेंट इंजन के पेपर से नकल करते हैं। तो मतलब तुम लोग इंजन स्टूडेंट को पैसा देकर फेक आईडी पर एग्ज़ाम दिलवाते और बोगी स्टूडेंट से पैसा कमाते थे, और नागर के कहने पर तुम इंजन और बोगी स्टूडेंट को रोल नंबर अलॉट करते थे? हाँ सर, मैं हर एक अलॉटमेंट के 25,000 रुपये लेता था। नागर और जतिन की गिरफ्तारियों ने इस केस का पैमाना बहुत बड़ा कर दिया था, और देखते ही देखते ये केस देश भर की मीडिया की प्राइम न्यूज बन गया। ये केस इतने एरियाज में फैला हुआ था कि इसकी जांच के लिए एसटीएफ का गठन किया गया, जिसकी अगुवाई क्राइम ब्रांच के पुलिस इंस्पेक्टर गौतम को सौंपी गई। सर, सस्पेक्ट लिस्ट में से 9 स्टूडेंट की बॉडी उनके ही एरिया में मिली। इनमें से कुछ ने अपने घरों में सुसाइड किया और कुछ ने हॉस्टल में। सस्पेक्ट्स में से इतने लोगों का मरना मामूली बात नहीं है। हो सकता है सुसाइड ना हो बल्कि प्लान मर्डर हो। इन सब की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है? सर, 2 बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार हो गई है, बस आने वाली है। बाकी में से कुछ की परसों आएगी और कुछ की 4-5 दिन बाद। सस्पेक्ट स्टूडेंट्स में से कई गायब हैं, और इनसे हमें उन बिचौलियों का पता चल सकता था जिनके थ्रू इनका फेक एडमिशन हुआ था। वहीं दूसरी तरफ पिछले 5 दिनों में कई बॉडीज ऐसी मिली हैं जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। इस लड़की का फोन क्यों नहीं लग रहा है? पापा, 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 कविता दीदी हॉस्टल में भी नहीं है, और वहां कोई नहीं जानता कि कविता दीदी है कहां। एसटीएफ के गठन के बाद से ही कविता सक्सेना समेत ऐसे कई स्टूडेंट्स थे जिनसे एसटीएफ पूछताछ करना चाहती थी। इसी वजह से आए दिन कई सस्पेक्ट्स लापता हो रहे थे, और ये लिस्ट 2500 सस्पेक्ट्स की एक नई लिस्ट बन गई थी। और वो इसलिए क्योंकि A&R यानी कि एडमिशन एंड रिक्रूटमेंट बोर्ड सिर्फ मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम ही नहीं बल्कि कई तरह के सरकारी और गैर सरकारी एंट्रेंस एग्जाम भी कंडक्ट करता था, और जिसकी वजह से रोज नई गिरफ्तारियां हो रही थी। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी बेटी कविता। सर, मैं A&R घोटाले की ग्राउंड रिपोर्टिंग करना चाहता हूँ। मेरे कई सारे रिसोर्स हैं वहाँ पे, एंड आई कैन डू बेटर। देखो निश्चय, ये बहुत बड़ा स्कैम है। इस केस में हमें सोच समझ कर उतरना पड़ेगा। पर सर, सर डीन साहब ने आपको ये देने के लिए बोला। तुम्हें पता भी है तुम्हारा ट्रांसफर किस बीहड़ में हुआ है? अरे दूर दूर तक कोई दुकान भी नहीं है, कैसे रहेंगे हम वहाँ पे? कोशिश कर रहा हूँ रुकवाने की। तुम जो कोशिश कर रहे थे ना, ये ट्रांसफर उसी का नतीजा है। हेलो पापा, 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 कितना कट गया? पापा अस्पताल चलो पापा। नहीं नहीं बेटा, अस्पताल नहीं जाए, यही रहेंगे घर पे, ठीक हो जाए। नहीं पापा, अब यहाँ नहीं रहेंगे पापा, ये शहर छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। नहीं नहीं बेटा, कहीं नहीं जाएंगे हम लोग, यही रहेंगे, और ये लड़ाई लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी। लेट मी डिसाइड माई सर कि A&R स्कैम की रिपोर्टिंग के लिए कौन जाएगा। इस एडमिशन एंड रिक्रूटमेंट स्कैम की ग्राउंड रिपोर्टिंग की इच्छा रखने वाला निश्चय सिंह क्या अपने बॉस को कन्विंस कर पाएगा? क्या अपने पिता पर हुए हमले के बाद अमरीश अपनी लड़ाई पर विराम लगा देगा?
धमकियों और हमलों के बाद अब एक बीहड़ इलाके में ट्रांसफर हो चुके डॉक्टर सदानंद क्या इस केस में पहले की तरह इन्वॉल्व रह पाएंगे और एसटीएफ की जांच का क्या होगा जिसके बाद ये केस सीबीआई को सौंप दिया जाएगा और इस पूरे केस में सीबीआई की क्या भूमिका रहेगी। इन सभी सवालों के जवाब हमें मिलेंगे कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।